हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे भी है और लगभग आज 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। आज का मौसम थोड़ा ठंडा है और 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि 3 दिन से लगातार जो मूसलाधार बारिश है यह चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो गाइस, आपने देखा होगा कि मूसलाधार बारिश, इसको लगभग आज तीसरा दिन हो रहा है। आज कंटिन्यूसली ये चल रही है बारिश 3 दिन से, और पहाड़ों में शायद अलर्ट भी कर रखा है। मैं आपको आज एक्सप्लोर कराना चाहूँगा मैं आपको कि बारिश कितना पानी का वहाँ भर गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो गाइस, बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि ये बारिश लगभग 3 दिन से ये कंटिन्यूसली चल रही है बारिश, तो ये अलर्ट भी कर रखा है। 12 तारीख तक ये बारिश चलेगी, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना जल भराव हुआ है, तो बने रहिए ब्लॉग में। सो हे गाइस, मैं आपको आज को कहूँगा एक्सप्लोर। बारिश बहुत तगड़ी चल रही है यार, कल से मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मूसलाधार बारिश हो रही है, पानी का जल भराव निरंतर बढ़ रहा है। सो हे गाइस, आप देख पा रहे होंगे बारिश कंटिन्यूस चल रही है, और तो बारिश ये 48 घंटे लगभग हो चुके हैं, ऑलमोस्ट तीसरा दिन आज ये चल रहा है, बारिश कंटिन्यूसली चल रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी 12 तारीख तक अलर्ट किया गया है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी फोर्सेस होती है उसके लिए कोई बारिश नहीं, कोई अलर्ट नहीं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स हैं, और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, और डीएम के आदेश के अनुसार स्कूलों में लगभग 2 या 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। तो देख पा रहे होंगे कि एनसीसी के कैडेट्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनसीसी के कैडेट्स अभी भी प्रेजेंट हैं। यस, बारिश हो रही है, और यहाँ पर यह घोलू आता हुआ, एनसीसी का कैडेट्स वहाँ पर पहुँचता हुआ और घर जाता हुआ। यहाँ पर घोलू हमारा घर पहुँच गया है, और टेम्पो बुक करके आ गया घोलू। टेम्पो घोलू हमारा पहुँच गया, टेम्पो बुक करके पहुँच गया है। और हम देख पा रहे होंगे जैसे कि इतनी मूसलाधार बारिश है, और हमारे जो ये पर्यावरण कर्मचारी है ये कंपल्सरी आते हुए, गेंदालाल जी इतनी बारिश में कैसे आ गए आप, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे होने तो क्या होता है यार, आज आना जरूरी था क्या? आज तो संडे है, संडे को भी आना जरूरी रहता है। अरे ऐसा मत किया करो यार, देख रहे हो ये हमारे पर्यावरण सुरक्षा कर्मचारी हैं जो कि निरंतर आते हुए, और इससे हमें सीखना चाहिए कि अपने नियम के पे हम अटल रहें, कार्य करें और स्वस्थ रहें। लेकिन अपना ध्यान रखिए, बारिश हो रही है बहुत, बारिश में मत भीगो यार, इसमें कुछ कोट रेन कोट वगैरह कुछ तो डालो। हैं? अरे यार, तो बहुत ख़तरनाक आदमी है जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इतनी बारिश है और फिर भी अपने काम पे आ रखे हैं हमारे मिस्टर गेंदालाल जी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि घोलू गया था एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसीसी कैडेट्स, और जैसे कि इंडियन आर्म फोर्स, इसमें अदर स्पोर्ट्स भी हैं,
जैसे आपको पता है इंडियन आर्म्ड फोर्स एक भारत की नींव है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो उसी के समकक्ष में भारत में एनसीसी का कोर्स भी लागू किया जाता है, और जिसके दौरान हमें इंडियन आर्म फोर्स के लिए जवान तैयार करने के लिए मिलते हैं। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि एनसीसी कैडेट्स वाले निरंतर इस बारिश में भी पहुंच रहे हैं, और अब एक टेम्पो वाला पानी फेंक के जाएगा मेरा भाई, देख पानी फेंक के, ओ आराम से चला रहे भाई, आराम से चला रहे, ओ भाई आराम से दौड़ा इसको, आराम से दौड़ा भाई मेरा चच्चा, ओ मेरा ताऊ आराम से दौड़ा ले। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पूरा जल भराव पड़ चुका है, यहाँ लगभग 2 फीट पानी यहाँ पे भर गया है, और ये पूरा बास्केटबॉल का जो हमारा कोर्ट है वो लगभग वो भी डूब गया है, और ये हमारा जो गार्डन है वो भी लगभग डूब गया है पानी से। आप ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा यहाँ पे वॉलीबॉल का कोर्ट क्योंकि किस प्रकार से डूब गया है, पूरा पानी से डूब गया है, यहाँ पे भी लगभग 2 फुट पानी भर चुका है, आप देख पा रहे हैं मुझे लगभग पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर भी सब जगह 2 फीट से ऊपर पानी भर गया है, और लगातार 3 दिन से यहाँ पर बारिश जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर पानी का पूरा भराव, गेट यहाँ पर बंद हो चुका है, पूरा पानी ही पानी हो गया है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मेन हाईवे पे है, और मेन हाईवे में पानी ही, बारिश कंटिन्यूसली ऐसी चलती रहेगी तो आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पूरा ही जल भरा हो जाएगा, और जिससे कि लोगों को आने और जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी किसी और बंदे का इंतज़ार हम करेंगे, और उस पर हम कैमरा दिखाना चाहेंगे, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। यार बंदे बाइक में कैसे चल रहे हैं यार, इतना ज़रूरी काम होता है क्या कि बाइक में चलना ही चलना है। देखो फोर व्हीलर की तो अपनी एक अलग ही बात है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए है ना। अरे बेटे की बोलट राजा धड़ा तक धड़ 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 चलते, अरे बेटे की बड़ी खतरनाक स्पीड में क्या है यार, और ये रोडवेज की बस भी अपने निरंतर 4 में चलती ही, और ये गई 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 गई, ब्रेक मार दिए लेकिन गई। अब मैं देखना चाहूँगा कौन आ रहे हैं यहाँ पे, स्कूटी वाले भैया आ रहे हैं, और स्कूटी वाले भैया लेकिन बहुत ही खतरनाक स्पीड में यहाँ पे ये गाड़ी जाती हुई, लेकिन स्कूटी वाले भैया है कि एक हाथ से छाता और एक हाथ से स्कूटी, ये लेकिन थोड़ा रिस्क का काम है, लेकिन क्या कर रहे हैं, आदमी मजबूर है तो जाना तो पड़ेगा। और देखिए 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 भाई साहब, बारिश का मौसम है, स्पीड थोड़ा कम करें, स्पीड थोड़ा कम करें, स्पीड स्पीड स्पीड, अरे बट्टे गई, ये भी गई गाड़ी, गई भाई गई गई, यहाँ पे आज मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है, और मैं आ रखा हूँ बाहर घूमे, और लोग अभी अंदर होंगे, मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर, और मेरे को लगता है शायद भाई साहब की स्थिति हो गई है ख़राब, तो ये स्थिति है फिलहाल, मैं बैक कैमरा कर लेता हूँ है ना। जैसे कि मुझे लगता है भाई साहब की स्कूटी हो गई है ख़राब, और या तो ख़राब हुई है या तो कुछ काम पड़ गया होगा, और मैं फ़िलहाल अभी मैं, और भाई साहब ये 300 खतरनाक स्पीड में जाती हुई, और भाई साहब स्कूटी वाले भी दबा 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 के गाड़ी चला रहे हुए, स्पीड में स्पीड दबे हुए हैं, और मैं देखना चाहूँगा कौन यहाँ पे फुल स्पीड में आता हुआ है, देखना चाहूँगा मैं फिलहाल यहाँ पे वो ट्रक वाले भाई साहब बैठे, और उत्तर प्रदेश की बस भी यहाँ पे निरंतर खतरनाक चाल में, अरे बाप रे, अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया कम करो, थोड़ा कम कर दो भैया, ओ मुझे लगता है कोई स्पीड में आ रहा है क्योंकि हॉर्न से हॉर्न बजाया जा रहा है, अरे भैया अरे भैया अरे भैया रुको भैया रुको 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 रुको, मैं इन गाड़ी वाले भैया को तो क्या बता पाऊंगा,
लेकिन मैं फ़िलहाल वीडियो में ही बता सकता हूँ कि भाई इतनी तेज़ गाड़ी ना चलाएं, है ना, स्पीड को कंट्रोल में रखें। जैसे ये वाले भाई साहब है, देखो अपने मध्यम मध्यम चलते हुए, कोई मतलब कोई स्पीड नहीं। अपने दूधिया वाले भैया हैं, बड़े मस्त स्पीड में चलते हुए। लेकिन अपने क्रेटा वाले भैया हैं जो बहुत स्पीड में गए। अरे भैया, अरे भैया ये बस देख रहे हो भैया, अरे भैया उत्तराखंड परिवहन निगम, अरे भैया रोको 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 भैया, आराम से चल रहे भाई, आराम से चल रहे भाई। ये सही है यार, एक आदमी स्कूटी चलाए और दूसरा आदमी पीछे से छाता पकड़े, तो ये बड़ा आनंद का विषय है। आप देख पा रहे होंगे भाई साहब ने बिल्कुल अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, भाई साहब बहुत ही अच्छी स्पीड है, बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। इनको देख के थोड़ा खुशी मेरे को महसूस हुई। आप ये देखो साइकिल वाले भैया को देख पा रहे होंगे, एक हाथ से साइकिल पकड़ी, एक हाथ से छाता पकड़ा है, और सुंदर यहाँ पे आनंद आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन किस तरफ से भाई स्पीड में आता हुआ। यहाँ पे ट्रक वाले भैया हैं थोड़े हल्की स्पीड में, पीछे वाले भैया थोड़ा पास मांग रहे हैं, लेकिन ट्रक वाले भैया हैं कि अपने मध्यम मध्यम स्पीड में चलते हुए। और यहाँ पे हमारी एक बहन जी है, और एक बहन जी है, ये बहन जी, हाँ बहन जी है, लेकिन इनको देखना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं ये। अरे भैया हो, ये तो दूसरा ही कुछ मामला सामने आया है। ये भाई साहब कर रहे थे इंतज़ार, बहना है, माता जी है, भगवान ही मालिक है, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे। और बड़ा मज़ा आया भाई, बड़ा मज़ा, और बड़ा काफ़ी देर से यार ये देख रहे। अरे भैया महिंद्रा, आपको मैं एक हुंडई वेन्यू दिखाना चाहूँगा। ये भैया बड़ी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। बारिश का मौसम है, हल्के हल्के अपने चल रहे हैं, लगभग 40-50 की स्पीड में यहाँ पे चल रहे हैं भैया। बहुत अच्छी, यहाँ बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। फ़िलहाल मैं अभी मैं वापस ही जाना चाहूँगा, है ना। उत्तराखंड में लगभग सभी जगह आज लगभग 2 से 3 दिन सभी जगह अलर्ट कर रखा है, और मैं भी तकरीबन मेरे को भी 1 से 1.5 घंटा होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि मैं बारिश में ना रहूँ। अपनी सुरक्षा भी करना ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं अपनी सुरक्षा करूँगा, है ना, और ज़रूरत आने पे ज़रूरतमंद की मदद भी करूँगा। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा करें, अगर आप स्वस्थ हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी मदद की आवश्यकता है तो मदद करें, है ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो हे गाइस, सी यू, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। सो गाइस, बारिश कंटिन्यूस चल रही है, और लगभग 2 से 3 दिन बारिश और बता रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।